नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजी अंजू। तिरंगे की प्रथम निर्माता भीकाजी कामा की जयंती है। आज स्वतंत्र भारत के झंडे के रूप में जिस तिरंगे को हम प्राणों से अधिक सम्मान देते हैं, उसका पहला रूप बनाने और उसे जर्मनी में फहराने का श्रेय जिस स्वतंत्रता सेनानी को है, उन मादाम भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उसके पिता सौराब जी श्राम जी मुंबई के संपन्न व्यापारी थे। भीकाजी में बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। 1885 में भीकाजी का विवाह रुस्तम जी कामा के साथ हुआ, पर यह विवाह सुखद नहीं रहा। रुस्तम जी अंग्रेज शासन को भारत के विकास के लिए वरदान मानते थे, जबकि भीकाजी उसे हटाने के लिए प्रयासरत रहती थी। 1896 में मुंबई में भारी हैजा फैला। भीकाजी अपने साथियों के साथ थे। बस्तियों में जाकर वे सेवा कार्य में जुट गईं। उनके पति को यह पसंद नहीं आया। उनकी रुचि सामाजिक कार्यों में बिल्कुल नहीं थी। मतभेद बढ़ने पर माधव कामा ने उनका घर सदा के लिए छोड़ दिया। अत्यधिक परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, अतः वे इलाज कराने के लिए 1901 में ब्रिटेन चली गई। वहां प्रारंभ में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ काम किया, पर उनकी अनुनय विनय की शैली उन्हें पसंद नहीं आई। अतः भीकाजी उग्रपंथी श्याम जी कृष्ण वर्मा और सरदार सिंह राणा के साथ भारत की स्वतंत्रता के प्रयासों में जुट गई। लंदन का इंडिया हाउस तथा इंडिया होम रूल सोसाइटी उनकी गतिविधियों का केंद्र थे। वीर सावरकर, मदन लाल धींगरा आदि क्रांतिकारी भी इन संस्थाओं से जुड़े थे। 1907 के समय वे पेरिस आ गई। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। वहां जाकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का विषय उठाया। वहां सब देशों के झंडे फहरा रहे थे। लोगों ने मादामा को भारत के झंडे के विषय में पूछा। वहां अधिकांश देशों के झंडे 3 रंग के थे, अतः उन्होंने अपनी कल्पना से एक तिरंगा झंडा बनाकर 18 अगस्त 1907 को वहां फहरा दिया। इसमें सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी में 8 कमल बने थे। ये तत्कालीन भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। बीच की पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी पर बाईं ओर सूर्य तथा दाईं ओर अर्धचंद्र बना था। इस सम्मेलन के बाद में वे अमेरिका चली गई। वहां भी वे भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए सभाएं तथा सम्मेलन करती रहीं। सन 1909 में वे फ्रांस आ गई तथा वहां से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तक यह पत्र निकलता रहा। इन सब कार्यों से वे ब्रिटिश शासन की निगाहों में आ गई। ब्रिटिश खुफिया विभाग उनके पत्रों तथा गतिविधियों पर नजर रखने लगा, पर वे बिना भयभीत हुए विदेशी धरती से चलाए जा रहे स्वतंत्रता के अभियान में लगी रहीं। उनकी इच्छा भारत आने की थी, पर उनकी गतिविधियों से भयभीत ब्रिटिश शासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उनकी इच्छा थी कि वे अंतिम सांस अपनी जन्मभूमि पर ही लें। 1935 में बड़ी कठिनाई से वे भारत आ सकी। एक वर्ष बाद 20 अगस्त 1936 को मुंबई में उनका देहांत हो गया। तो इसी के साथ हम रेडियो हिंदुस्तान की ओर से तिरंगे की प्रथम निर्माता भीकाजी कामा को शत शत नमन करते हैं उनकी जयंती के अवसर पर। तो जाते जाते यही कहूंगी, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।